हमारे भैया खुद कितना प्यार से केक बना रहे थे, आप सकते हो। कोई ऐसा मतलब कोई भी काम छोटा बड़ा नहीं है, लेकिन केक बनाने में भी इतना आसान नहीं है। आप खुद देख सकते हो कि कैसे प्रोसेस करें एक वन बाय वन। किसी को लगता है कि हाँ हमें तो रेडीमेड मिल जाता है केक पूरा बनाने में, तो इनको अंदर से पता नहीं चलता है कि किस तरह से बनता है और क्या क्या प्रोसेसिंग करता है उसके बाद जो हम खाते हैं केक वगैरह, बर्थडे केक हो या फिर कुछ भी हो, चाहे कोई भी सेलिब्रेशन केक हो बस। लेकिन बनाने में जो बनाते हैं उनको ही पता चलता है कि कैसे बनता है और किस तरीके से बनता है। आप देखते रहो, क्यों क्या इसमें अलग अलग क्यों करना पड़ता है इसको, मतलब कि इसीलिए लेयर करते हैं, इसलिए इसमें मतलब कि पतला पतला लेयर हो, इसमें टेस्ट और बढ़िया लगे। अच्छा, इसका मतलब कि टेस्ट के लिए इसको लेयर को अलग अलग करके उसको, अगर ज़्यादा मोटा देंगे तो टेस्ट मतलब क्रीम से थोड़ा कम लगेगा, मोटाई ज़्यादा टेस्ट नहीं है, खाली ब्रेड ब्रेड का टेस्ट है। ओके, ओके। ऐसे कि मतलब इक्वल इक्वल सब आएगा। अच्छा अच्छा, दोनों से। और सो गाइस देख सकते हो इसमें जो लेयर है ना वो पतला पतला सा क्या है, क्योंकि इसमें इस पतले पतले करने के बाद इसमें बहुत ही टेस्ट टेस्ट आएगा ना, इसलिए टेस्ट की वजह से सो उसको अभी लेयर को पतला करके रखा है। अभी क्रीम निकल चुके हैं, देख सकते हो, ठीक है। अभी भैया इसको, ये है पानी का गरम, पानी गरम हो चुका है। अभी अच्छा, अभी चॉकलेट गरम हो रहा है ना। अच्छा, सो गाइस देख सकते हो इसमें चॉकलेट, जो चॉकलेट होता है वो गरम हो रहा है। गरम होने के बाद आप लोग को दिखाऊंगा, अभी चॉकलेट गरम हो रहा है, मतलब कि बहुत कुछ करने के बाद हमको जो केक बनता है। सो आप ऐसा नहीं कि आप थोड़ा जानना भी ज़रूरी है कि केक बनने में कितना क्या क्या करना पड़ता है, बहुत कुछ करना पड़ता है, ऐसा नहीं कि ऐसे ही बन जाता है केक। सो आज की वीडियो में भैया को थैंक यू बोलूँगा, क्योंकि भैया ने केक बनाने में दिखाया कि कैसे बनता है। कुछ लोगों को पता ही नहीं चलता कि केक कैसे बनते हैं, तो अभी केक बनाने में आप लोग देख सकते हो सीधे सीधे ना, तो बहुत सारे लोग बहुत तरीके से केक बनता है जो, लेकिन भैया के हाथ में जो केक है ना वो बहुत ही अच्छा है। तभी मैंने सोचा कि क्यों ना बस इसी केक को मैं भी वीडियो बना लूँ कि भैया के हाथ से जो केक बनता है वो भी अच्छा है। लिक्विड की तरह हो गया, वाह देखो आप चॉकलेट लिक्विड की तरह हो गया बिल्कुल। थोड़ा सा क्रीम, क्रीम अब ये रहा क्रीम, क्रीम लेने के बाद लिक्विड चॉकलेट डालना, अभी लिक्विड चॉकलेट डालना है ना क्रीम के अंदर, ठीक है। डालने के तो हम कैरामल भी डाल सकते हैं, मेरे अलावा मेरे पास है ना, और ज़्यादा कैरामल जितना टेस्ट नहीं है उतना चॉकलेट भी टेस्ट रखता है। अच्छा अच्छा, मतलब कैरामल और चॉकलेट दोनों बराबर टेस्ट है? नहीं, कैरामल का टेस्ट थोड़ा नॉर्मल है, नॉर्मल रहता है, अजीब लगता है खाने में, कड़वा सा आता है। अच्छा अच्छा, चॉकलेट प्योर चॉकलेट की तरह लगेगा। चॉकलेट का तरह, अभी चॉकलेट का टेस्ट कैसा लगेगा, कड़वा जैसा नहीं लगता ना, ठीक है। क्योंकि बहुत सारे जगह बेकरियों में ज़्यादा करके कैरामल यूज होते हैं, चॉकलेट कम होते हैं। ओके ओके, तभी तो शायद चॉकलेट वाला सभी को पसंद आता है। सभी चॉकलेट और क्रीम मिक्स कर चुके हैं, लिक्विड ये देखो आप, चॉकलेट जो है बिल्कुल लिक्विड की तरह। अभी ये देख सकते हो आप, बिल्कुल मिक्स हो चुका है, क्रीम और चॉकलेट मिक्स करके होने के बाद ये देख नज़ारा। अभी लेयर बिछा रहे हैं भैया, एक एक करके लेयर बिछा रहा है, देख सकते हो। लेयर बिछाने के बाद भैया खुद बताएंगे, ठीक है, थोड़ा थोड़ा, ठीक है।
ओके अभी इसमें क्या चोको चिप्स ओके चोको चिप्स मिक्स देख सकते हैं चोको चिप्स मिक्स कर चुके हैं अभी ये दूसरा लेयर दिया ना अभी जो ये क्या दिया अभी ये थोड़ा सा मतलब सिरप है ओके ऐसा लगता है ना कि पानी जैसा है थोड़ा थोड़ा सिरप पानी के जैसे सॉफ्टनेस के लिए डालते हैं सॉफ्टनेस के लिए ना अच्छा सिरप को सॉफ्टनेस के लिए अभी यूज़ किया गया है दोबारा इसको मिक्स वाला डालना पड़ा ना उसके बाद दोबारा ये करना पड़ा है मतलब हाँ ठीक है मतलब सेम एक लेयर दूसरे लेयर के बाद दोबारा फिर लेयर लगाना है वाह एक सेट हो चुका है बस इसका आइसिंग बच गया है अच्छा वाह देखो एक सेट तो हो चुका है बस उसका कुछ दूसरा बनाना अच्छा इसको इसलिए लगा रहा हूँ कि मेरे केक में हाइट नहीं पड़ रहा था अच्छा इसीलिए इसको लगा रहा हूँ ठीक है इसके लगाने से हाइट मेरा आ जाएगा केक में अच्छा मतलब तो जो इक्वल हाइट के लिए हाँ, इसको लगाया गया वेस्टेज नहीं जाएगा हाँ वो तो ठीक है केक वेस्ट भी नहीं होगा और इसका हाइट भी मेजर बराबर हो जाएगा चलो आप गाइस देख सकते हो एक तो बन चुका है इससे इसका कुछ और भी करना है और यहाँ दूसरा बन रहा है बिल्कुल ये भी बन चुका है और ये दूसरा भी परफेक्ट बस दूसरा भी तैयार तो इसमें दोबारा चॉकलेट लिक्विड डालना पड़ेगा ना नहीं, इसमें इतना मेहनत हो जाएगा अच्छा इसमें से हो जाएगा ना मतलब सब इसी में हो जाता है ये कहीं बड़ा साइज तो नहीं हो गया नहीं ये तो मतलब कि ये है कि ये तो बड़ा है मगर इसका हाइट वजह से इसको मैं दे रहा हूँ अच्छा मेरा जो केक है उसमें हाइट है ज़्यादा अच्छा तो जब तक हाइट नहीं दूंगा तब तक केक उस हिसाब से दिखेगा ठीक है तो बेस भी अलग अलग होता है ना ये बड़ा वाला होता है ये छोटा थोड़ा वो हाफ के जी एक के जी है अच्छा वो हाफ के जी है और ये एक के जी का है देख सकते हो बिल्कुल केक रेडी हो रहा है अगर आप लोगों को चाहिए तो आप यहाँ से ऑर्डर कर सकते हो मैं बिल्कुल आपको बता दूंगा
कैसे, कहाँ से और कैसे ऑर्डर करना है। साइड में थोड़ा थोड़ा इसको मतलब परफेक्ट मैच करने के लिए काट रहा है, परफेक्ट सर्कल के लिए इसको थोड़ा थोड़ा काट रहा है। हाँ वो भी तो चाहिए क्योंकि थोड़ा परफेक्ट सर्कल होना चाहिए। ये बोन तो पहले से बनाना होता है ना ये? अच्छा स्पंज पहले से बनाना। अच्छा अच्छा अच्छा, मतलब कि एक दिन पहले या फिर रात को करो? रात को कर लेते हैं, सुबह के लिए ना, सुबह शाम को लिए। तो उसके लिए मतलब क्या क्या चीज़ डालना पड़ता है उसके लिए? प्रीमिक्स आता है, जो प्रीमिक्स प्रीमिक्स में जैसे चॉकलेट प्रीमिक्स हो, चाहे वनीला प्रीमिक्स हो, चाहे ब्लैक फॉरेस्ट क्रीम, अच्छा तो इसको ये कौन सा प्रीमिक्स है? ये चॉकलेट प्रीमिक्स है ना। अच्छा अच्छा, तो अलग अलग प्रीमिक्स है उसकी मतलब। अभी क्रीम को मतलब कुछ मिक्स किया या फिर सिर्फ क्रीम को ही कर रहे हैं? सिर्फ क्रीम को ना। अच्छा मतलब उसको थोड़ा हल्का करने के लिए या फिर ऐसा ही? अच्छा इसका सॉफ्टनेस के लिए उसको थोड़ा मलाई कर रहे हैं। तो ठीक है, साफ सुथरा करने के बाद ही केक अच्छे से बनता है। वाओ, वाह बिल्कुल प्लेन हो चुका ना, बिल्कुल प्लेन हो चुका। देखो कैसा था कैसा बन गया देखा। सो धीरे धीरे काम प्रोसेस चलता रह जाए। ऐसा था, अभी ऐसा हो गया, अभी उसके बाद और भी होंगे, ये भी ऐसे ही बनेगा। चॉकलेट, ये व्हाइट चॉकलेट है। अच्छा अच्छा, वो ब्लैक था, ये व्हाइट है। अच्छा अच्छा, इसको भी लिक्विड की तरह बना लिया ना। ओके, मतलब सारा चॉकलेट को जितने भी हो उसको थोड़ा लिक्विड की तरह बना के उसके बाद उसको मलाई करते हो ना। सो गाइस, ये है व्हाइट चॉकलेट जो अभी गर्म करने के बाद लिक्विड की तरह हो गया। सो इसको अभी यहाँ काम करेंगे, उसमें लेना पड़ा वो। अच्छा उसको मतलब उसको बनाने लेना। अच्छा 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 अच्छा, ये देखो रेडी।
बिल्कुल 80 से 85% कंप्लीट, आप 90 भी बोल सकते हो। सो बाद में इसके जो रोस्ट वगैरह आएगा और भी कुछ आएगा सो उसको डालेंगे, अभी फ़िलहाल फ्रिज में डाल के रखा है। और नेक्स्ट ये भी बनेगा। सो फिलहाल यहाँ तक देख सकते हो, इतना तक तो आपको पता चल ही चुका होगा कि केक बहुत कैसे कैसे मिलता है। यहाँ एक रोस पड़ा है देख सकते हो, ये रोस, और इसमें कुछ अलग सा आएगा। सो आज भैया की तरफ से आपको केक बनाने में देखने को मिला, सो सबको दिखाता है ये। अगर आपको ऐसा का एक अच्छा वाला केक चाहिए तो यहाँ भी विजिट कर सकते हो और यहाँ ऑर्डर कर सकते हो, ठीक है। गाइस अगर चाहिए तो आप देख सकते हो इसमें ऑर्डर कर सकते हैं, इसमें सब कुछ लिखा है, केक ऑन केक्स ऑन कार्ड जो भैया ने अभी हमको दिखाया, आप इसी के थ्रू से आप ऑर्डर कर सकते हो, इसमें सारा कुछ लिखा हुआ है। और बाकी सब कुछ अच्छा है, आप देख सकते हो केक वगैरह। सो गाइस थैंक यू, आप ऐसे वीडियो देखते रहिए, प्यार बांटता रहिए। सो लाइक शेयर सब्सक्राइब कर देना। थैंक यू गाइस, सी यू, टाटा।